अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का व्लॉग भी किचन से ही स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है। और हम हाउसवाइफ की रूटीन का आगाज़ ही किचन से होता है। पहला काम हमारा किचन से ही स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर हमारी दिन भर की जो रूटीन होती है वो स्टार्ट होती है, चलती रहती है। आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड और रेड सॉस मैक्रोनी। दोनों रेसिपी बच्चों की फेवरेट रेसिपी हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। रेसिपी पसंद आए तो उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम रेसिपी की तरफ। अब पहले हम तैयार करेंगे डो। डो के लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा, 1 पैकेट इसमें ईस्ट का डाल दिया था, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी चीनी और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा ऑयल और 1 टीस्पून इसमें डाला था मैंने नमक। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। नॉर्मल पानी से मैंने डो को घोल लिया था और फिर मैंने इसको राइस होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। अब तैयार कर लेते हैं हम इसके लिए चिकन। चिकन में मैंने कहते हैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा सोया सॉस और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा चिली सॉस। नमक टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल देंगे और फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और चिकन आप अपने स्टाइल से भी बना सकते हैं और जिस तरह का आपको चिकन पसंद है उस तरह की चिकन बना के उसकी आप फिलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने रख दिया था मैक्रोनी बॉईल करने के लिए पानी और उसमें नमक डाल दिया था और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था और जब एक बॉईल आ गया था तो फिर उसमें मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी थी। बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं और आजकल बच्चे आए हुए थे तो मैंने कहा लाओ उनकी पसंद की चीज़ें बना लेती हूँ। और अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और न्यू देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इन दोनों रेसिपीज़ में मैं सिर्फ वेजिटेबल्स में खाली शिमला मिर्च यूज़ करूँगी, तो मैं उसकी कटिंग करके रख लेती हूँ। यहाँ पे मेरी मैक्रोनी भी बॉईल हो गई है और यहाँ देखें चिकन भी हमारी रेडी हो गई है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है इसका और उसका हमने बारीक बारीक सा रेशा कर लेना है। और अब मैं कर रही हूँ मैक्रोनी की तैयारी। उसके लिए मैंने 8-10 जवे लहसुन के लिए और उसको हमने बहुत बारीक चॉप कर लेना है। आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था अपनी वीडियो की वॉइस ओवर करने की। आज का रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है तो बस आज बहुत थक सी गई थी, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था मेरा। लेकिन बस बाज़ दफ़ा होता है ना, आपका दिल नहीं करता कोई काम करने का लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। तो बस आज बड़ी मैं हिम्मत करके भी बैठी हूँ वॉइस ओवर करने। ऑयल मैंने डाल दिया था, जब ऑयल गर्म हो गया था उसमें मैंने लहसुन ऐड कर दिया था, जो लहसुन हमने चॉप करके रखा था वो उसमें डाल दिया था। हल्का सा लहसुन का कलर चेंज हुआ था तो मैंने उसमें शिमला मिर्च डाल दी थी, चिकन डाल दी थी और उसके बाद फिर मैंने उसमें मसाले ऐड कर दिए थे। मसालों में मैंने डाला था 1 टीस्पून उसमें पिसी हुई काली मिर्च डाली थी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने चिकन पाउडर डाला था और कहते हैं 2 टेबल स्पून के करीब इसमें सोया सॉस गया था, 2 टेबल स्पून चिली सॉस डाला था और सारी चीज़ें नमक मैंने 1 टीस्पून डाला था क्योंकि हमने मैक्रोनी बॉयल करते हुए नमक ऐड किया था। तो नमक ये कि आप अच्छी तरह देख के डालेंगे, कम होगा तो हम बाद में डाल देंगे। और 5-6 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड सॉस ऐड किया था। ये रेड सॉस बनाने की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है और जिसको ये रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। वो रेड सॉस मैंने इसमें डाल दिया था और रेड सॉस बना रखा था तो इतनी जल्दी फटाफट मेरी ये मैक्रोनी तैयार हो गई थी और जो रेड सॉस बनाने में हमारा टाइम लगता है वो टाइम मेरी की बचत हो गई थी। बस ये आसानियाँ रहती हैं कोई चीज़ बना के आप रख दें तो काफ़ी कुकिंग में आपके टाइम की बचत हो जाती है और जल्दी कुकिंग आपकी हो जाती है। सारी चीज़ें डाल के बस हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। रेड सॉस डाल के हमने पकाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो तैयार था बिल्कुल। और फिर इसके बाद मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी थी।
करती हूँ। मैक्रोनी डालने के बाद मुझे सॉस थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने 2-3 टेबलस्पून और उसमें सॉस ऐड कर दिया था। और फिर इसमें मैंने डाला था केचप, 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें केचप ऐड किया था। बस ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट मैंने इसको दम पे रख दिया था। मैक्रोनी हमारी रेडी हो गई थी। अब यहाँ पे हम ब्रेड के लिए चिकन तैयार कर लेते हैं। चिकन को मैंने रेस्ट कर लिया, उसमें मैं कहते हैं शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। और फिर इसमें डालेंगे सारे मसाले। मसाला मैंने डाली थी 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च जाएगी इसमें, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून इसमें डाला था चिली सॉस, 1/2 टेबल स्पून उसमें जाएगा सिरका, और 2-3 टेबल स्पून इसमें डाली थी मेयोनीज़। मेयोनीज़ ज़रा सही से हम बस मेयोनीज़ इस अंदाज़ से डालनी कि थोड़ी क्रीमी सी बनानी है हमने चिकन। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था चिकन पाउडर। और मैंने जो गलती की थी कि बाउल मैंने बहुत छोटा ले लिया था, आप लोगों ने बड़ा बाउल लेना है। और बस ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है, क्रीमी सी ये चिकन हमने तैयार करनी है। अब बाकी का प्रोसेस आप देख ले। मैंने इस तरह इसकी डो को बेल लिया था, और फिर इस तरह मैंने इसकी सारी लेयर लगा दी थी। पहले मैंने ये रेड सॉस लगा दिया था, उसके ऊपर मैंने चिकन रख दी थी, और उसके ऊपर फिर मैंने चीज़ डाल दी थी। ये सारी चीज़ें डाल के फिर मैंने इसकी रैपिंग कर दी थी। बस इसके बाद हम इसमें अंडा लगा देंगे। उसके बाद ऊपर से मैंने इस पर वाइट तेल लगा दिया था, और ये शिमला मिर्च डाल दी थी, और उसके बाद फिर मैंने इसको पतीले में बेक कर लिया था। बहुत ही मज़े की और फटाफट बनने वाली ये रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है चिकन ब्रेड की। और फाइनल लुक देखें, ये बहुत ही मज़े की बनी थी। पतीले में इसकी कलर थोड़ा कम ही आता है ऊपर की साइड, और ये ओवन की तो बात अलग ही होती है, लेकिन ये बहुत कहते हैं सबको पसंद आई थी, और बहुत ही जूसी और मज़े की ब्रेड तैयार हुई थी। और ये रेड सॉस मैक्रोनी भी बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। और ये चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, और बड़े शौक से बच्चे ही खाते हैं। तो अब थोड़ी सी छुट्टियां रह गई हैं, तो आप लोग इस तरह की चीज़ें बना बना के बच्चों को खिलाएं, ना खुश कर दें। आज की मेरी दोनों रेसिपी बच्चों की फेवरेट रेसिपी हैं। तो आपको आज की मेरी रेसिपी या मेरी शेयरिंग पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। अब दें इजाज़त अपनी दुआओं में, मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।